वहीं सीरिया के चार बड़े शहरों पर कब्जे के बाद अब विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है। सीरिया में कई स्थानों पर हिंसा जारी है। सेना ने यहां पर घोषणा कर दी है कि मुल्क अब असद के राज से आजाद हो गया है। इस बीच राष्ट्रपति असद की राजधानी दमिश्क छोड़ने की खबर सामने आ रही है, तो वहीं सेना के अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति असद दमिश्क छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं। दमिश्क में अफरा तफरी का माहौल है और सुबह बड़ी संख्या में लोग जरूरी सामान एकत्र करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। कई दुकानों में तो सामान तक खत्म हो चुका है, तो वहीं सीरिया बीते एक दशक से भी अधिक समय से गृह युद्ध देख रहा है, लेकिन दमिश्क में आज तक ऐसे हालात नहीं हुए। वहीं सीरिया में पिछले एक दशक से जो हालात हैं उसमें केवल विद्रोही ग्रुप और सरकार ही नहीं बल्कि कई देश और संगठन भी जिम्मेदार है।